इंदौर की परदेशीपुरा पुलिस ने मारपीट और वसूली की धाराओं के फरार चल रहे 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश सूरज उर्फ रोहित द्वारा सरवाहरा रहने वाले देवेंद्र नामक युवक से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की गई थी और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई थी। प्रकरण पंजीबद्ध के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि NTC कलाली ये बदमाश धारदार हथियार के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़ा है। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी सूरज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके पास से धारदार चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी पर आधा दर्जन से भी अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं। यहाँ परदेशीपुरा में 27 अक्टूबर को प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट लेकर आई गई थी कि उसमें सरवारा नगर निवासी ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और पैसे न देने पर उसके द्वारा चाकू से हमला करना बताया गया था, जिस पर प्रथम सूचना दर्ज की गई और आरोपी के तलाश के हर संभव प्रयास किए गए लेकिन नहीं मिले। उसके पश्चात ये पता चला कि आरोपी कहीं भाग गया है। उसके द्वारा SP महोदय पूर्व द्वारा उस पर 2000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसकी सूचना मिली थी, जिसके पीछे लगी रही पुलिस, जिसको कल दिनांक को NTC कलाली के पास फिर वही घटना दोहराना चाह रहा था तथा चाकू लिए लोगों को आने जाने वालों को चमकाया रहा था, जिसको कल मैं चाकू की गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इसके पूर्व में भी थाना परदेशीपुरा में 5 से 6 अपराध इसके खिलाफ पंजीबद्ध हुए हैं और चूंकि वर्तमान में ये फिर इसके द्वारा एक अपराध किया गया था, जो उस पर मामला कायम कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।